मैडम सर आप अब हम पर शक कर रही हैं। मैडम सर आप जानती हैं कुछ भी हो जाए कुछ भी हो सकता है लेकिन करिश्मा सिंह अपनी वर्दी के साथ कभी बेईमानी नहीं कर सकती। हम भी ऐसे ही सोचते थे करिश्मा सिंह, लेकिन क्या है ना जब से आपने अपनी ड्यूटी को साइडलाइन करके अपनी पर्सनल लाइफ को इंपॉर्टेंस देना शुरू किया है हमें सोचना पड़ रहा है। आप तो फिलहाल ना ईमानदार और सिंसियर पुलिस ऑफिसर होने की बात हमारे सामने कीजिए ही मत, क्योंकि अगर आप जरा सी भी सिंसियर होती तो कमल हमारी हिरासत में होता। ओके ठीक है, लॉजिकली हम और बिल्लू साथ में थे, सिर्फ आप थी जो बाहर थी। हो सकता है आपसे इंफॉर्मेशन लीक हो गई हो, गलती से आप किसी और से बात कर रही हो, किसी ने वो बात सुन ली हो। आई थिंक आप दोनों को आराम से बैठकर इस बारे में बातें करनी चाहिए, ठंडे दिमाग से चीजों को एनालाइज करेंगे तो रिजल्ट भी अच्छा निकाल पाएंगे आप दोनों। वाह मैडम सर आप आजकल कुछ हमें ज्यादा ही तनाव में लग रही है, आप इतना टेंशन काहे ले रही हैं? हम है ना, हम लाएंगे उस कमल को पकड़कर, चंगुल से निकला मैडम सर, शिकंजे से नहीं, आप इतना टेंशन मत लीजिए। संतोष शर्मा जी। मैडम सर जिस वैन में कमल किडनैप हुआ था उस वैन के बारे में हमने डिटेल्स निकालने को कहा था, क्या हुआ उसका? अब जी मैडम सर, वैन लावारिस हालत में सिद्धार्थ हॉस्पिटल के बाहर खड़ी थी, मुझे ऐसा लगता है वहां से उन्होंने गाड़ी चेंज की और आगे निकल गए पुलिस को चकमा देने के लिए। अगर मैं होती ना मैडम सर, एक इंच वहां से उनको हिलने नहीं देती और वो हाल करती ना कि मुंह जब भी खोलते मुंह से एक ही बात निकलती, दरोगा जी देखे। उफ, महीन मासूमियत। ये लीजिए बदनाम स्पेशल चाय। अब नहीं पियेंगे? तो बताइए समस्या क्या है? एक समस्या हो गुरुजी तो बताऊँ ना, मेरे क्वार्टर का नल और किस्मत लगातार खराब ही चल रहे हैं, मेरी जो पिंपल्स है वो जा नहीं रहे और सैलरी जो है वो आ नहीं रही और बदनाम जो है वो घटिया चाय पिला पिला कर मेरा दिमाग खराब कर देता है, बिल सर पर खड़े हैं और पापा शादी के पीछे पड़े हैं। शांतु जी फिर कर लीजिए ना, उम्र तो हो ही गया है शादी का। बाद में नहीं नहीं पुष्पा जी, सही में उम्र हो गया है शादी का। अरे ये सब हम बाद में बात करें, पहले जिस बात के लिए पंडित जी को बुलाया है वो तो कहे ना उनसे। दरअसल बात ये है ना पंडित जी कि हमारी ये जो दो मैडम है ना, हसीना मैडम और करिश्मा मैडम, इन दोनों की आपस में बिल्कुल बनती ही नहीं, किसी ना किसी बात पे ना हमेशा खिटपिट खिटपिट लगी रहती है, एक तीर घाट है तो एक मीर घाट है, दोनों एक दूसरे से एकदम विपरीत। आप देखिए ना, आप इसमें कुंडली देखिए दोनों की और बताइए कि दिक्कत क्या है। लेट मी सी। क्या हुआ पंडित जी? संतोष। गुरुजी मैं। अरे तुम नहीं, संतोष की कमी है दोनों ग्रहों में, अशांति का वास है इनकी परस्पर चलने वाली ग्रहों में। करिश्मा सिंह जी की राशि है मंगल, मंगल यानी तीव्र गति से कार्य करने वाला स्वभाव, जबकि हसीना मलिक जी की राशि है शनि, शनि मतलब न्याय का देवता, धीमा कार्य करता है परंतु जो भी कार्य करता है न्यायपूर्ण करता है। जब भी दोनों साथ होते हैं तो विपरीत स्वभाव होने के कारण लड़ते झगड़ते रहते हैं, बट दोनों एक दूसरे का सम्मान भरपूर करते हैं। ये बात तो है। सल्यूशन क्या? कोई सल्यूशन नहीं है तुम्हारा। गुरुजी मेरे क्वार्टर का नल प्लंबर से शादी कर लो। जब भी दोनों आपस में झगड़ रही हो तो गंगा जल में फेंक दे, छिड़क दो उनके ऊपर, ताकि दोनों ग्रह थोड़े समय के लिए शांत हो जाएं। बाकी दोनों ग्रहों का क्या बोलते हैं उसको,
अब चपड़ दोस्ताना कहते हैं। नियंत्रण, दोनों ग्रहों का नियंत्रण संकट मोचन महाबली श्री हनुमान जी के हाथ में ही है, इसीलिए आप सब लोग हनुमान जी की पूजा कीजिए, आराधना कीजिए, वो सबके कष्ट को दूर करेंगे, हरेंगे, सारी समस्याओं का जो जड़ है वो सब समाप्त हो जाएगा। ठीक है, बोलो सियापति रामचंद्र की जय। ओके, सो आई एम लीविंग। ओके, देखिए बहुत 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 धन्यवाद पंडित जी, आपने जो कहा है ना हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। थोड़ी सी दक्षिणा ले लीजिए। आपसे दक्षिणा कैसे ले सकते हैं माते? दीदी दीदी आप तो पुलिस वाली हैं ना? अब चपड़गंज ले ले, और नसीब वालों को मिलते हैं पैसे। सही बोल रहा है। हमारे कहने का मतलब ये है कि क्या आम आदमी और क्या पुलिस वाले, देखिए ग्रहों से पंगा कोई ले सकता है भला? नहीं ना। इसलिए आप ये दक्षिणा रख लीजिए और हम पर और हमारी थाने पर आपकी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। अच्छा डाल दो, डाल दो। So guys, now I am leaving. Baba, hamara chai ke paise do. Ganga Jal. Madam, ek baat puchu. Ab muh khola hai bille tumne apna, to puchu. Mera matlab ye hai ki मैडम सर ने आप पर एकदम इल्ज़ाम लगा दिया, डायरेक्टली बोल दिया कि आपने इंफॉर्मेशन लीक कर दी, तो आपको गुस्सा नहीं आया क्यों? मैं क्योंकि उनका दिमाग हिल गया है, तुम समझ रहे हो हमारी बात को? ये अश्लील केस आया ना, ये अश्लील रैकेट वाला केस, इन्होंने उनका दिमागी मानसिक संतुलन बिगाड़ के रख दिया है। कुछ भी सोच रही हैं, कुछ भी कह रही हैं, कुछ भी देख रही हैं, ऐसे होता है क्या? और तुमने कहा गुस्सा क्यों नहीं आया हमको? हाँ हाँ, गुस्सा तो हमें तुम पर होना चाहिए बिल्ले। मुझ पर क्यों? 13:30 कॉल, लास्ट कॉल आधे में कट गया, बहुत चिरमिरा रही थे तुम मैडम सर के सामने। मैडम ये 13:30 कॉल में से एक हाथ कॉल कम कर दो, लेकिन मैंने कॉल किए, अब मुझे छोड़ दो, आपको पुष्पा जी की नहीं, आपको अपने नए जॉब की कसम, छोड़ दो। वही तो, नए जॉब। अब हेलो सर। जी सर, गुड आफ्टरनून सर, हाउ आर यू, ऑल गुड? नो नो मिसेस करिश्मा सिंह जी, ऑल इज नॉट गुड, कुछ भी ठीक नहीं है। काहे सर, क्या हुआ? दो एम्प्लॉय पोस्ट छोड़ के जा चुकी हैं, दो पोस्ट और खाली हो चुकी हैं, इसका मतलब दो लोगों का काम और ज्यादा बढ़ चुका है। तो सर, तो इसका मतलब ये है मिसेस करिश्मा सिंह जी कि अब आपको 2 घंटे की जगह 4 घंटे देने होंगे हमारी कंपनी को। का? नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। देखो मिसेस करिश्मा सिंह जी, मैं आपको पूछ नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। और वैसे भी तुम्हें जॉब चाहिए ना, तो फिर इतना कोऑपरेट तो करना ही पड़ेगा हमारी कंपनी के लिए। नहीं सर, आप बहुत समझ रहे हैं सर, हम नहीं कर सकते जॉब, हमसे नहीं हो सकता ना, समझ रहे हैं सर आप हमारी बात को, हम नहीं दे सकते थे। आई नो, वही तुम्हारा वो गाली खाने वाला इशू, राइट? देखो एक बार गालियां खाने की आदत पड़ गई ना, तो सब कुछ आसान लगता है। अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, और मेरे डैड भी यही कहते हैं कि एवरेज इंटर्न को 8 से 10 दिन लगते हैं इन गालियों की आदत पड़ने में। तो बस एक बार ये गालियां खाने की आदत पड़ गई तो सब आसान लगने लगता है, यही गालियां तुम्हें फूल जैसी लगने लगेंगी। सर पर आप हमारी बात नहीं समझ रहे हैं ना सर, आप नहीं समझ रहे हैं कि हम टाइम नहीं दे पाएंगे, हम नहीं आ पाएंगे। सर आप हमारी बात को समझो, सर आप हमारी बात को समझो। देखो मिसेस करिश्मा सिंह जी, ये अपनी 4 दिन की नौकरी के लिए अपनी परमानेंट जॉब वाला रिस्क तो नहीं लेना चाहेंगे ना आप? इतनी बेवकूफ तो नहीं है आप? सर आप हमारी बात को समझने की कोशिश कीजिए, हमें यहाँ पे भी कुछ घंटे देने हैं, वहाँ पे भी कुछ घंटे, हम मैनेज नहीं कर पाएंगे सर, आप समझ रहे हैं हमारी बात को, नहीं हो पाएगा सर दोनों जॉब, आप समझिए ना, समझिए आप, समझिए। आज डोज डबल कर देते हो। कॉफी, कॉफी, तुम्हें कॉफी ट्राई करनी चाहिए, मेरे लिए भी कॉफी लेकर आओ। सर कॉफी पीने से क्या होगा? कॉफी जो है ना वो स्ट्रेस का सबसे बड़ा इलाज होता है। मेरे डैड का भी यही कहना है कि गर्मा गर्म कॉफी के सिप लेने के बाद वाला जो डिसीजन होता है ना वो कभी गलत नहीं हो सकता है, तो तुम्हें कॉफी पीनी चाहिए। तुम कॉफी का गर्मा गर्म सिप लो और फिर डिसाइड करो कि तुम्हें क्या करना चाहिए। कॉफी कहाँ से लाए? कॉफी सर, एक मिनट, कॉफी आ गया है, कॉफी।
कॉफी भी पी लिया है, अब कॉफी पीने के बाद भी हम वापस से यही बात कहेंगे कि सर टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा, तो हम 4 घंटा नहीं दे पाएंगे। देखिए मिसेस करिश्मा सिंह जी, मैं आपको आखिरी बार कह रहा हूँ कि मुझे ना सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है, और मुझे दूसरी लाइन पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। सर एक मिनट। सर हमारे ये सारे बॉस एक जैसे काय होते हैं, एकदम दिल के, एकदम भावनाओं के कोरे, मतलब उनमें इंसानियत नहीं होता है, उनमें दिल नहीं होता है का? एकदम पत्थर दिल, एकदम मतलब एकदम सड़ू, एकदम आई डोंट नो। और तुम हमारे आंखों के आगे से चले जाओ। तुम पहले थैंक यू। ये कॉफी करिश्मा सिंह तक कैसे पहुंची? कैन आई हेल्प? बिल्ले? हाँ मैडम। यस बिल्ले, चक्कर आ रहा है हमको। हे, हमको ऐसे क्या लग रहा है कि हम उड़ रहे हैं का? आप हवा में उड़ रहे हैं? नहीं नहीं, जिनको आपने कंटाप लगा के हवा में उड़ाया ना, उनकी बद्दुआ लगी है आपको, मतलब लग सकती है, ऐसे भी हो सकता है। बिल्ले तुम्हारी आंखें तुम्हारे चौखटे से बड़ा हो गया है, तो आप अपनी आंखें छोटी करके देखो ना। नहीं बिल्ले, हमको बिठाओ, हमको बिठाओ, हमको बिठाओ। हाँ हाँ, कहाँ बिठाए? हमको लेके जाओ। हाँ आप अपनी सीट पर आइए, आराम से, आराम से, इधर लेफ्ट 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 लेफ्ट। क्या हुआ करिश्मा सिंह, आप ठीक हैं? हाँ मैडम सर, हम एकदम ठीक है मैडम सर, पर ये तो पूछना तो हमें चाहिए ना मैडम सर आपसे, आप ठीक है ना? नहीं, वो भूलने का बीमारी चल रहा है ना आपका, वो आप कुछ भी सोचती हैं, कुछ भी सपने देख लेती हैं, कुछ भी हो जाता है आपको, किसी को भी गद्दार मान लेती हैं। क्या गद्दार? हाँ मैडम सर, गद्दार। आपने हमें गद्दार समझा, और हम ऐसे हैं कि हमको लगा कि अगर इस पूरी सृष्टि में हमें हमसे ज़्यादा कोई जानता है तो वो आप हैं मैडम सर, लेकिन आप ही हमें गलत समझ रही हैं। मैडम आप सीनियर टॉकिंग जूनियर। मैडम सर आप बताइए, हम ऐसा कर सकते हैं का? नहीं मतलब आपने ऐसे सोच भी कैसे लिया? हम अपनी वर्दी के साथ, अपने फर्ज के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप ही बताइए। नहीं नहीं, हमको पता लगा मैडम सर, जब से हमने यहाँ थाने से जाने का बात किया ना, तो मैडम सर का जो है वो नज़रिया बदल गया है हमारी तरफ। नहीं अब हम वो करिश्मा सिंह नहीं रहे जो करिश्मा सिंह हम हुआ करते थे। जब तक करिश्मा सिंह मैडम सर के सामने यस मैडम सर, ओके मैडम सर, जी मैडम सर कर रही थी, तब तक वो थी हीरो। और अब जब करिश्मा सिंह यहाँ से जाने का बात कर रही हैं, तो वो हो गई जीरो। देखिए करिश्मा सिंह। नहीं मैडम सर, आप हमें बताइए कि क्या करें हम? हम क्या करें मैडम सर? आप बहुत बुद्धिमान हैं ना, आप बहुत आला दिमाग हैं, आप बहुत समझदार हैं ना मैडम सर, समझदार है ना? हाँ है है। अगर हम आपको खुश करने के लिए मैडम सर यहाँ रुक भी जाते हैं, तो उस सज्जन इंसान का क्या जिसके साथ ना इंसाफी हो रही है मैडम सर? ये सज्जन हम अम्मा के लल्ला का बात कर रहे हैं मैडम सर, वो इंसान जो पूरी दुनिया के विरोध के बाद भी हमें पूरे मान सम्मान और पूरे इज्जत के साथ हमें ब्याह कर लाया, जिसने पूरी दुनिया के बाद, हमारे माँ बाप के बाद, वो एक ऐसा इंसान बना मैडम सर जिसने हमें हमारे तरीके से जीने दिया, कभी भी हमें किसी चीज के लिए नहीं रोका, कभी भी हमें बदलने का प्रयास नहीं किया उन्होंने मैडम सर, आप समझ रही हैं? इतना इतना समय निकल गया हमारी शादी को, इतना समय निकल गया, लेकिन हमने उनके साथ दो प्यार का बात नहीं किया आज तक बैठ के, कैसे करें? टाइम नहीं है ना, यहाँ बिजी रहते हैं हमें। अब आप बताइए, क्या उनका हक नहीं है कि वो हमारे साथ बैठ के बात करें, हम उनको टाइम दें? हम क्या गलत कर रहे हैं बताओ, समझाओ हम क्या गलत कर रहे हैं? अगर हम अपना बाकी का जिंदगी अपने पति देव को देना चाह रहे हैं, तो हम क्या गलत कर रहे हैं बताइए, समझाइए हमें।
करिश्मा सिंह, क्या आपने हमने नहीं 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 क्या करिश्मा सिंह ने पिछले एक दो घंटे में कुछ खाया है, पिया है, कुछ अलग पिया है? वाह, अभी भी मैडम सर आपको ऐसे लग रहा है कि हम ही गलत हैं? यहाँ आप हमें कहती है कि मत जाओ, वहाँ वो हमको कहता है कि चार घंटे के लिए आ जाओ। अम्मा हमारी भी तो कोई बात सुनो, हम क्या चाह रहे हैं? मैडम सर जैसे आपने ठाना है ना कि आप इस रैकेट को जड़ से खत्म करेंगी, हम उसमें आपका साथ देना चाहते हैं। मैडम सर हम भी इस रैकेट को जड़ से खत्म करना चाहते हैं, आप समझ रही हैं? देखिए करिश्मा सिंह, अरे पुष्पा जी क्या, गंगाजल एक मिनट, बारिश हो रही है, बारिश एक मिनट। आप आराम कीजिए थोड़ी देर। हाँ बस बस कुछ नहीं कुछ नहीं सर, हम इंसाफ दिला कर रहे हैं, हम बिल्कुल मासूम लड़कियों को हम कुछ नहीं होने देंगे मैडम सर, आप समझ रहे हैं? इंसाफ दिलाएंगे सारी लड़कियों को, आराम आराम से। ओके, क्या कोई हमें बताएगा कि पिछले कुछ घंटों में करिश्मा सिंह ने क्या खाया है, क्या पिया है? किसी को पता है? कॉफी मतलब मैंने दी थी इनको कॉफी, मतलब जो बर्मी मैडम ने जो बनाई थी आपके लिए, लेकिन मैंने सोचा कि इनके लिए जरूरत है तो मैंने इनको पिला दी। बस वही रोज वाली कॉफी जो ये आपके लिए लाती है वही। वो एक्चुअली कॉफी डबल स्ट्रॉन्ग थी तो शायद हिट कर गई है। नहीं मैडम, वो एक्चुअली कॉफी पीता है इंसान तो नींद से जग जाता है, लेकिन करिश्मा मैडम के साथ उल्टा हुआ है, वो सो गई है। ऑफ कोर्स कभी कभी एक्स्ट्रा स्ट्रेस की वजह से और नींद ना पूरी होने की वजह से इस तरह के इम्पैक्ट्स होते हैं। और फिर जरूरी तो नहीं कि ये कॉफी की वजह से हुआ हो सकता है इन्होंने किसी और तरह की कोई और दवाई खाई हो। आई थिंक अब हमें इन्हें थोड़ा सोने देना चाहिए और जब ये उठेंगी तो आई एम श्योर फ्रेश फील करेंगी। नहीं नहीं मगर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इनकी तबीयत और बिगड़ जाए। अब हाँ पुष्पा जी आप सही कह रही है, आई थिंक हमें एक बार कॉफी चेक करनी चाहिए कि एग्जैक्टली कॉफी में क्या था कि करिश्मा मैडम की ऐसी हालत हो गई। हाँ हाँ चेक करनी चाहिए क्योंकि मामला इनकी सेहत का है, पता तो चलना चाहिए। आपके कहने का मतलब है कि हमने करिश्मा सिंह की कॉफी में कुछ मिलाया जिसकी वजह से उनकी आज ये हालत है? नहीं नहीं ऐसा नहीं बेबी। सॉरी बर्बी जी। ओके फाइन, मैं अभी प्रूफ कर देती हूँ कि आप लोग जो सोच रहे हैं वो एकदम बेसलेस और नॉनसेंस है। आप सबको लगता है ना कि ये सब कुछ इस कॉफी की वजह से हो रहा है, तो ठीक है वो अभी इसी वक्त हमारे सामने कॉफी टेस्ट कर सकते हैं। और अगर किसी को भी कॉफी पीने के बाद कुछ भी होता है तो उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेती हूँ। चलिए शुरुआत मुझे से करते हैं। अब हम पियेंगे। हम भी। पीजिए। मैडम मुझे पुष्पा जी वो बस ऐसे ही कोई गाली दिया होगा, याद किया होगा,
याद करने पर हिचकी आती है। अब ठीक है ना? हाँ हाँ, आखिरी हिचकी थोड़ी है। ओके, तो तसल्ली हो गई आप लोगों को? मुझे लगता है आज से हमें कॉफी बंद कर देनी चाहिए और मैं भी आप लोगों के साथ बदनाम की चाय ही पिया करूंगी। ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है बार्बी। दरअसल हम सब यहाँ एक दूसरे को लेकर कुछ ज्यादा ही कंसर्न रहते हैं। करिश्मा सिंह की ऐसी हालत देखकर सब शायद थोड़े जरूरत से ज्यादा इमोशनल हो गए, और कुछ नहीं, इन सब की तरफ से हम माफी मांगते हैं। कॉफी बिल्कुल ठीक है, कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। संतोष शर्मा, हमने आपको यहाँ पर इसलिए बुलाया है क्योंकि हम आपसे जो काम करवाना चाहते हैं वो थाने के लैपटॉप पर नहीं हो सकता। ये देखिए, ये वो वेब एड्रेस है जिस पर वो गैंग लड़कियों के अश्लील फोटोज और वीडियोस अपलोड करता है, करेक्ट? लेकिन इसके अलावा उनका एक और ऐप है जिस पर वो लड़कियों को अपनी तरफ बुलाते हैं, खींचते हैं एक्टर और स्टार बनाने के बहाने। हमें उस ऐप को ढूंढना है। पर मैडम सर, ऐसे तो हजारों ऐप होंगे। करेक्ट, हो पाएगा? संतोष शर्मा मैडम सर, साइबर एक्सपर्ट महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ, सब हो जाएगा। गुड, गेट टू वर्क। मिल गया मैडम सर। ग्रेट, दिखाओ। डाउनलोड करूं? आर यू श्योर वही ऐप है? 100% मैडम सर। ओके, करो।